हाय फ्रेंड्स, मैं हम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। जो आपके स्क्रीन पर नजर आता होगा वो बहुत ही बड़ा फिगर्स है और कहीं ना कहीं जहां बॉलीवुड में पहले से ही आमिर खान डोमिनेट करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। एक साउथ इंडियन फिल्म बाहुबली 2 आके अब डोमिनेट कर रही है बॉक्स ऑफिस के। जो क्लब्स होते हैं 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़, इन सब क्लब्स को बनाती जा रही है। और वो दिन दूर नहीं हुआ कि बाहुबली 2 शायद हिंदी वर्जन में 500 करोड़ भी कमा ले। जी हाँ, बाहुबली 2 का मैजिक इस तरह से कुछ आया है कि हर एक फिल्म बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड सेट कर रही है। आमिर खान जहाँ डोमिनेट कर रहे थे क्लब को, सबसे पहले उनकी ही फिल्म थी गजनी, जो 2008 में 100 करोड़ बनाने में कामयाब रही थी, जो उस वक्त के हिसाब से मैं कहूँ तो बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। गजनी खुद एक साउथ इंडियन फिल्म का रीमेक थी, जो जो मोमेंटो फिल्म से इंस्पायर्ड थी हॉलीवुड। वहीं अगर बात करें तो 2008 से 2009 के बीच में ही आमिर खान की फिल्म ने 200 करोड़ पार कर लिए थे। यानी कि आमिर खान एक ऐसे एक्टर है जिन्होंने बहुत पहले ही 100-200 करोड़ क्लब की शुरुआत कर दी थी, 200 करोड़ कमा लिए थे। थी इडियट से बहुत बढ़िया फिल्म थी, इस फिल्म जैसे आई थिंक कोई और फिल्म नहीं है, बहुत ही बेस्ट फिल्म है। वर्ल्ड वाइड ये फिल्म को पेश किया जाता है। अभी हाल ही में एक खबर मिली थी कि आई थिंक स्पेनिश स्पेनिश में ये फिल्म बन रही है, थ्री इडियटास। अगर आप ध्यान दोगे या सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि इतने इंस्पायर्ड हो गए स्पेनिश डायरेक्टर की इस फिल्म से कि उन्होंने अपने ही वर्जन का ये फिल्म बना दिया है। और जहाँ तक बात की जाए, 300 करोड़ क्लब बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था, एक मैमक टास्क था, लेकिन पीके ने वो भी कर दिखाया 2014 में। उसके बाद से करीबन करीबन इस लिस्ट में दो ही तीन फिल्म शामिल है। इसके बाद अब जलवा बिखेरा है सलमान खान ने, जिन्होंने उनकी दो फिल्में हैं पीके के अलावा 300 क्लब में। वो ये है कि एक तो बजरंगी भाईजान 320 करोड़ और दूसरी सुल्तान 300 करोड़ जो प्रॉपर कमा ली थी। तो दो फिल्में सलमान खान की है। तो सलमान खान का जो जो फिल्मों के जो ये क्लब्स वाला जो जलवा है वो 2014-15 से चालू हुआ है, लेकिन आमिर खान उस पर डोमिनेट कर रहे थे बहुत पहले से ही, और इन्होंने सबसे पहले 100-200-300 करोड़ क्लब की शुरुआत की। उसके बाद यहाँ पे दंगल का नाम इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि दंगल 387 करोड़ ही कमा पाई। अगर दंगल 400 करोड़ कमा पाती तो दंगल का नाम पहले होता, लेकिन अब वो रिकॉर्ड जो चूक गया था दंगल से, वो बाहुबली 2 ने पूरे कर लिए हैं। और बाहुबली 2 ने 2017 में यानी कि अभी 15 दिनों के अंदर ही 400 करोड़ कमा लिए हैं। तो आप कितने खुश हो इस रिकॉर्ड से, और क्या लगता है आपको 500 का रिकॉर्ड कौन सी फिल्म बना पाएगी? क्या बाहुबली 2 कर पाएगी अपने आने वाले 1-2 हफ्ते में हिंदी वर्जन में, या फिर ये रिकॉर्ड सलमान खान की फिल्म ट्यूबलाइट या एक था टाइगर तोड़ेगी, या फिर बाकी जो और फिल्में हैं गोलमाल 4 है, उसके अलावा शाहरुख खान की फिल्म है द रिंग है, कौन सी फिल्म तोड़ेगी आपको क्या लगता है, या फिर पद्मावती तोड़ेगी? आप जरूर बता सकते हो। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय।